अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज का जो व्लॉग है इट इज़ रिगार्डिंग स्ट्रॉबेरी पिक। तो हम आज वुलफिल में स्ट्रॉबेरी की पिकिंग के लिए गए हैं। स्ट्रॉबेरी पिकिंग जो है यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉबेरी के यू पिक वाली नहीं होती बात, बल्कि इट इज़ आलमोस्ट फॉर एवरी फ्रूट्स, इवन फॉर वेजिटेबल। यहाँ पे ये सिस्टम है कि जितने फॉर्म्स हैं या जितने खेत हैं या एनीथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे आप जाके ख़ास स्पेसिफिक डेट्स पे और स्पेसिफिक दिनों में आप जाके वहाँ पे अपने जो है वो जगह से पिक करते हैं। तो वो सस्ता भी होता है, फ्रेश भी होता है। सस्ता इसलिए होता है कि उसके ऊपर जो मालिक है या जो ओनर्स हैं उनका वो नहीं होता, उनका लेबर जो कास्ट वो नहीं आती है। तो ये तो स्ट्रॉबेरी हैं और इसके लिए हम हर साल स्ट्रॉबेरी पिक भी करते हैं, एप्पल की पिक वगैरह भी करते हैं। तो आज जो है हम स्ट्रॉबेरी फार्म पे आए हैं, ये स्ट्रॉबेरी है और जो है हम पिक कर रहे हैं। इसका एक तरीका ये है कि काउंटर पे जाके आप दो तीन छोटे छोटे से टोकरे ले लेते हैं और वो फिर उसमें आप डालते रहते हैं, और जब वो भर जाते हैं तो वापस आके आप रिसेप्शन पे उनको बता देते हैं कि दीज आर माई पिक, एंड फिर वो एक टोकरी के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। तो राइट नाउ देखो मेरे पास इस वक्त 4, 5, 6 टोकरियाँ भरी हुई हैं और मैं अभी जाके काउंटर पे इसको रख के उनको बताऊंगा कि ये बेरीज मैंने पिक की हैं। इसके साथ उनका इसमें एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आके आप एज मच एज यू कैन ईट यू ईट इट, यानी इसमें लोग उमूमन साथ छोटी सी बोतल ले आते हैं तो दो तीन दाने जो हैं या जो जितना भी है उसको धो के खा लेते हैं, या इस तरह उसके बगैर भी, क्योंकि इसके नीचे अगर आप देख रहे हैं ना, देखिए ये सारा वो नज़र आ रहा है ग्रास, तो इन्होंने वहीं सूखा ग्रास वहीं डाला होता है तो वो सारे साफ होते हैं और बहुत अच्छी सर्विस होती है इसकी। तो लेट्स सी इंशाल्लाह, आज के लिए काफ़ी है। वस्सलाम, सलाहुद्दीन। और हाँ, ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।